हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार, आपका अपने यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको क्लास 7th के एक्सरसाइज 6C के 8 पार्ट कंप्लीट कराकर 2 वीडियो में बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इसका 9th सवाल है। देखिए, सवाल आपको स्क्रीन पर नीचे मिल जाएगा, मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है। क्या है? दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को ज्ञात करना है। क्या करना है? वे संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले बात आती है कि सवाल को करने से पहले कि क्रमागत संख्या किसे कहते हैं। मैंने आपको पिछले पिछले पार्ट में बताया था कि क्रमागत संख्या किसे कहते हैं। देखिए, आप समझिए क्रमागत संख्या किसे कहते हैं। अगर हमारे पास एक्स है और दूसरी क्या होगी, एक्स प्लस वन एक संख्या होगी, तीसरी क्या होगी, एक्स प्लस टू एक संख्या होगी। ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो पहले पहली संख्या एक्स होगी, दूसरी क्रमागत संख्या एक्स प्लस वन होगी, तीसरी क्रमागत संख्या एक्स प्लस टू होगी। तो इसने क्या बोला है? दो क्रमागत संख्या। कितनी संख्या होनी चाहिए हमारे पास? दो क्रमागत संख्या का योगफल, योग है ना, तो एक्स होगी प्लस एक्स प्लस वन होगी, दूसरी ये होगी हमारे पास। योगफल कितना दिया है इसने? 21 दिया है। टोटल कितना दिया है इसने? 21 दिया है। सवाल कर लो, सवाल आपका खत्म है। इक्वेशन ही बनानी थी, इक्वेशन ही बनानी होती है इन सवालों के अंदर। अगर आप इक्वेशन बना दिया आपने इन सवालों के अंदर, इक्वेशन बना दी, सवाल आपका खत्म है, ये समझिए। सवाल कंप्लीट कर लो, एक्स सोल्व कर लो। एक्स प्लस वन इक्वल 21 है। एक्स एक्स कितने हो जाएंगे? 2x, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1। 21 में से एक गया तो कितने बचेंगे? 20। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 20/2, यानी कि x इक्वल 10 आएगा। x इक्वल क्या है हमारे पास? 10। दो क्रमागत संख्या मानी थी, पहली मानी थी x, दूसरी क्या मानी थी? x प्लस 1। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? पहली संख्या होगी हमारे पास, पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या क्या होगी हमारे पास? एक्स टी। तो ये कितनी होगी? 10। और दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? एक्स प्लस वन थी, तो कितनी होगी? 10 + 1, दूसरी क्या होगी? 11 होगी। दूसरी कितनी होगी? 11 होगी। ये पार्ट आपका कंप्लीट है। पहली पार्ट, पहले पहली संख्या क्या होगी? 10, और दूसरी संख्या क्या होगी? 11। दोनों सवाल, दोनों की दोनों संख्या निकाल दी है। पहला पार्ट आपका, यानी कि 9th पार्ट आपका कंप्लीट है। क्या 10th पार्ट है इसका? दो क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है? 30 है। उन संख्याओं को ज्ञात करना है, तो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, मैं आपको बताया था क्रमागत समसंख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रमागत समसंख्या किसे कहते हैं। देखिए, समसंख्या होती है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10। तो ये कहां तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक जाएंगी। ये हमारे पास समसंख्या होती है। देखिए, इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे? ये समसंख्या किसे कहते हैं? तो क्या होगी? पहली समसंख्या होगी 2x, दूसरी होगी 2x + 2, तीसरी होगी 2x + 4, और ये कहां तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी, तीसरी संख्या ये होगी, इन्फाइनाइट तक जाएंगी। हमको क्या बोला है? जो दो क्रमागत संख्या, तो पहली हम ये ले लेंगे, दूसरी ये लेंगे। माना पहली क्या होगी? माना पहली संख्या क्या होगी हमारे पास? 2x। दूसरी संख्या क्या मान लेंगे हम? दूसरी संख्या मान लेंगे 2x + 2। ठीक है, अब इन दोनों का योगफल करो। 2x + 2x + 2 इक्वल कितना आएगा हमारे पास? 30 दिया हुआ है। कितना है योगफल इनका? 30 है। तो 2x + कितना जाएगा? देखिए, इनको ऐड कर लो। 2x 2x, कितने हो जाएंगे? 4x + 2 इक्वल 30। 4x यहीं पर रहेगा, 2 इसको उठा करके इधर लेकर जाओ, तो कितना जाएगा? 4x इक्वल 38 में से 2 कितने बचेंगे? 28 बचेंगे, सॉरी 30 है, 30 में से 2 कितने बचेंगे? 28 बचेंगे। x इक्वल कितना जाएगा? 28/4, ये कितना जाएगा? 7। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 7। जब इसको काटेंगे यहाँ पर 4 × 7 = 28, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 7। तो पहली संख्या कितनी मानी हमने? x की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 7। तो 2 × 7, पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? 14। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2 × 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 7 + 2, 2 × 7 = 14 और 2 = 16। पहली संख्या 14 होगी, दूसरी संख्या 16 होगी, यही इसके आंसर होंगे। 10th पार्ट आपका कंप्लीट है। अब चलते हैं 11th पार्ट की। क्या है 11th पार्ट? है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है। देखिए, 11th पार्ट क्या है? 11th पार्ट आपका यह है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात करना। देखिए, कैसे करेंगे इन संख्याओं को ज्ञात? कैसे करेंगे? विषम संख्या क्या होंगी? 1 होगी, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसी चलते चलते इन्फाइनाइट तक जाएंगी। पहले तो आपको पता होना चाहिए विषम संख्या ये होगी। एल्जेब्रिक फॉर्म में विषम संख्या क्या होंगी? पहली क्या होगी? x, दूसरी क्या होगी? x + 2, तीसरी क्या होगी? x + 4। ऐसी चलते चलते कहां तक जाएंगी? ये इन्फाइनाइट तक जाएंगी। तो क्या होंगी ये? पहले क्या मानी हमने? x मानी, यानी कि 1 मानी। दूसरी क्या मानी? 1 की 1 में 2 ऐड करा, 3 होगी।
वन में फोर ऐड करा कितनी होगी, फाइव होगी। तो ये क्या होंगी, हमारी क्रमागत विषम संख्याएं होंगी। इसमें से क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल दे रखा है ना 40। देखिए कोई सी भी दो ले लो क्रम से आने वाली, या तो इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो या इससे अगले वाले को ले लो, या कोई भी ले लो, दो संख्या क्रम से आने वाली लेनी पड़ेगी। लेकिन आपको तो हम ले लेते हैं ये वाली, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, x प्लस टू। ठीक है, पहली कितनी है x है, दूसरी क्या है x प्लस टू है, योगफल दे रखा है इसने, तो इनको ऐड करो, x प्लस टू इक्वल कितना दिया होगा 40। कितना दिया होगा 40 दिया हुआ है, तो 2x प्लस टू इक्वल कितना हो जाएगा 40। ये 2 को उठाकर इधर लेकर जाओ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा 38। x की वैल्यू कितनी आएगी 19, यानी कि जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई में जैसे आएगा डिवाइड में होगा तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो पहली संख्या क्या आएगी 19, दूसरी संख्या क्या आएगी 21, यही इनके आंसर होंगे। देखिए 11th पार्ट था, 11th पार्ट आपका कंप्लीट है। अब चलते हैं 12th पार्ट की ओर, ये आपका लास्ट पार्ट होगा, इसका लास्ट पार्ट है और ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी, फिर कल हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे। देखिए 12th पार्ट है आपका, एक भिन्न संख्या का हर कितना है 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करेंगे, एक भिन्न संख्या का हर कितना है 7 है, माना भिन्न मान लेते हैं, माना भिन्न क्या होगी हमारे पास, माना भिन्न होगी x अपॉन 7 मान लिया, क्योंकि इसका अंश कितना है x मान लिया हमने, हर इसने 7 दिया होगा तो हर तो हमारे पास क्या होगा 7 मानना ही पड़ेगा। यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब देखिए यहां पर सवाल करते हैं, x+3 और 7+3 दोनों में क्या कर दिया इसने 3 जोड़ दिया, तो उस भिन्न का मान कितना हो जाता है 4/5 हो जाता है, भिन्न का मान कितना हो जाता है 4/5 हो जाता है। सवाल आपका कंप्लीट होगा, समझिए सवाल आपका कंप्लीट होगा, जिसने समीकरण बना ली सवाल आपका खत्म। तो कितना होगा यहाँ पर x+3 / 7/3 कितना होगा 10, इक्वल कितना होगा 4/5, ये डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x+3 इक्वल 4 × 10/5, 5 से काटो इसको 2 बार कटेगा, 5 × 2 = 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर x+3 इक्वल 4 × 8, ये इधर जाएगा, कहाँ जाएगा इधर जाएगा, तो x = 8 - 3, x इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास, x इक्वल आ जाएगा आपके पास 5, x इक्वल कितना है आपके पास 5 आया, तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारे पास, भिन्न हो जाएगी 5/7, यही इसका आंसर होगा। 12th पार्ट आपका कंप्लीट, पूरी एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट कर, कल चलते हैं आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है कल देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट लिख सकते हैं।